खबर गांव की हो या शहर की, हर खबर से जोड़ेगा ग्रामीण न्यूज। देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। कहते हैं कुछ चीजें करने का सही समय होना चाहिए, शायद यही वजह है कि आज के समय में बॉलीवुड में ज्यादा से ज्यादा पिक्चरें निजी जिंदगी पर आधारित बन रही हैं। दर्शकों को लुभाने के लिए आज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स असल जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, और अगर लोगों की बात करें तो वाकई कहीं ना कहीं लोग इसे अपने आप से जोड़ पा रहे हैं, तभी तो इन पिक्चरों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि इन असल कहानियों को दिखाने के चक्कर में कभी कभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स कई अपराधियों को भी हीरो बना देते हैं। जी हाँ, क्योंकि आने वाली 22 दिसंबर को एक फिल्म रिलीज होने जा रही है, रंगबाज, जो कि एक निजी जिंदगी पर आधारित है, और इसका हीरो है श्री प्रकाश शुक्ला। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रंगबाज का असली हीरो श्री प्रकाश शुक्ला था कौन। तो बात उस समय की है जब गोरखपुर में ना तो योगी राज था और ना ही कोई हिंदुत्व की छवि। उस समय वहां अगर किसी का नाम गूंजता था तो वो नाम था गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का। महज 25 साल का अकेला लड़का जिससे पूरा उत्तर प्रदेश खौफ खाता था। खौफ खाने की वजह थी श्री प्रकाश शुक्ला की यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी लेना, और यह डील तय हुई थी 6 करोड़ में। अब उसी गैंगस्टर पर फिल्म आने जा रही है जिसका नाम है रंगबाज। फिल्म में साकिब सलीम गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का रोल कर रहे हैं, जो रियल लाइफ गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की लाइफ पर बेस्ड है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इतनी कम उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला की क्राइम में इतना नाम कहां से हुआ, जिसने महज 25 साल की उम्र के लड़के को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया। गोरखपुर में एक गांव है मामखोर, यहां के एक टीचर के घर बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा श्री प्रकाश। पिता के नाम के आगे शुक्ला लगता था तो लड़के के नाम में भी शुक्ला जुड़ गया। हालांकि शुरू से ही श्री प्रकाश शुक्ला कंपटीशन वाली भावना और मारधाड़ की ओर दिलचस्पी रखता था, इसलिए गांव में भी पहलवानी करने लगा, और उसका आपराधिक करियर भी उसी के ही गांव से ही शुरू हुआ, जब उसकी गांव के राकेश तिवारी नाम के एक लड़के ने उसकी बहन को देखकर सीटी मार दी। बदला लेने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे गोली मार दी। उस समय श्री प्रकाश शुक्ला की उम्र थी महज 19 साल। जब पुलिस पीछे पड़ी तो पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक भाग गया, और जब श्री प्रकाश वहां से लौटा तो वो श्री प्रकाश उस गांव वाले श्री प्रकाश से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वहां से लौटने के बाद श्री प्रकाश ने बिहार के विवादित नेता सुरभान से कनेक्शन जोड़ लिया, जिसके बाद उसने यूपी की राजनीतिक गलियों में भी हलचल मचानी शुरू कर दी, क्योंकि वहां से जुड़ने के बाद श्री प्रकाश ने सभी तरह के गैरकानूनी धंधे शुरू कर दिए, जहां से उसे पैसा आने लगा और दिनों दिन श्री प्रकाश शुक्ला का रुतबा बढ़ता रहा। हालांकि इन सबके बीच श्री प्रकाश शुक्ला कभी पुलिस की नज़रों में नहीं चढ़ा। जब साल 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी अंडरवर्ल्ड का हिस्सा रहे बीरेंद्र शाही को मारा तो ऐसा वो दौर था कि चारों ओर हंगामा मच गया। बीरेंद्र शाही उस समय पूरे यूपी में सबसे चर्चित चेहरा था, नेताओं से उसकी अच्छी साठगांठ थी, यही वजह थी कि नेता भी श्री प्रकाश को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। इन्हीं चक्रों में श्री प्रकाश का पॉलिटिकल एम्बिशन भी जाग गया, जिसके बाद श्री प्रकाश की लिस्ट में अगला नाम था यूपी के कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का, जो कि गोरखपुर के चुल्लूपार सीट से विधायक थे, और श्री प्रकाश शुक्ला को अब वो विधानसभा सीट चाहिए थी, जिसकी वजह से महज 23-24 साल का लड़का श्री प्रकाश शुक्ला हरिशंकर तिवारी का कत्ल करना चाहता था। इन सबके बीच एक बड़ी बात यह भी थी कि हरिशंकर तिवारी चुल्लूपार सीट से पिछले 15 साल से विधायक थे, शायद यही रुतबा ही था कि श्री प्रकाश शुक्ला की आंखों में चुभने लगा। इन सबके साथ भी श्री प्रकाश शुक्ला का उपद्रव हर जगह बढ़ रहा था, क्योंकि साल 1998 के गर्म महीने मई में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ के एक बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, और बेटे को बचाने गए बिजनेसमैन का उस समय श्री प्रकाश शुक्ला ने कत्ल कर दिया। यही वजह थी कि श्री प्रकाश का खौफ इतना बढ़ गया कि बड़े से लेकर छोटे लोग भी श्री प्रकाश से आँख मिलाने से डरने लगे। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने किडनैपिंग की वारदात के बाद ही बिहार के बाहुबली मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद का कत्ल कर दिया। ये वो ब्रज बिहारी थे जिनका सिक्का पूरे बिहार में चलता था। 13 जून 1998 को ब्रज बिहारी जब पटना के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल अपना इलाज कराने पहुंचे, उस समय सामने एक लड़के ने AK-47 से उन्हें गोलियों से भून दिया। उसके बाद जब साल 1998 में साक्षी महाराज यूपी के फर्रुखाबाद से MP बने तो उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन CM कल्याण सिंह को मारने की फिरौती ली। अब सकते में आने की बारी थी पुलिस की, प्रशासन की, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री की सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला ले चुका था।
उस समय मुख्यमंत्री की रक्षा के लिए यूपी पुलिस ने 43 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को मारने या पकड़ने के लिए एक नई फोर्स का गठन किया, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसका पहला निशाना था श्री प्रकाश शुक्ला, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुपारी लेने के बाद से श्री प्रकाश शुक्ला सभी के लिए पहली प्रायोरिटी था। यही वजह थी कि श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक इतना बढ़ गया कि टीवी पर आने वाले मशहूर क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड में भी उसके ऊपर बेस्ड 2 एपिसोड दिखाए गए। इन शो को होस्ट करते थे सुहैब इलियासी। हालांकि ये एपिसोड ऑन एयर गए तो श्री प्रकाश शुक्ला ने सुहैब को धमकी भरे फ़ोन कॉल्स किए। सुहैब को जब पता चला, उसने श्री प्रकाश शुक्ला की जानकारी इकट्ठा कर दिल्ली और यूपी पुलिस के सुपुर्द कर दी। इसके साथ सुहैब ने बताया कि श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों के साथ गाजियाबाद में देखा गया है। श्री प्रकाश शुक्ला को मोबाइल फोन से भी बहुत लगाव था। वहीं गलत धंधे में होने के कारण अलग अलग सिम कार्ड्स का इस्तेमाल भी वो करता था। लेकिन किस्मत खराब थी, उसने एक ही सिम कार्ड लगातार एक हफ्ते तक इस्तेमाल की। इससे श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रेस करना पुलिस के लिए आसान हो गया। पुलिस ने दिल्ली में उसके वसंत कुंज वाले इलाके का भी पता लगा लिया। हालांकि इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन 22 सितंबर 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद स्थित उसके फ्लैट पर पहुंचा, तो पुलिस पहले से ही उसके आने के इंतजार में घात लगाकर बैठी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये थी गोरखपुर के एक छोटे से गांव श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। फिर लेकर हाजिर होंगे किसी ऐसी ही कहानी को। तब तक के लिए आप देखते रहें ग्रामीण न्यूज़। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।